कार्यक्रम के द्वारा सभी युवाओं को इकट्ठा करते हुए वो बिजनेस में क्या कर सकते हैं और बिजनेस में आगे बढ़ते हुए देश के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो एक कार्यक्रम जो किया है आज जो सूरत में आया है, तो मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों के विचार जो यहाँ पर शेयर होंगे उसके जरिए बाकी लोगों को भी उसमें से प्रेरणा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ काम करता है, कोई बिजनेस करता है, मगर उस बिजनेस के द्वारा वो देश के अर्थतंत्र को मजबूत करता है, देश के लिए काम करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जब हमारे देश का अर्थतंत्र 11वें नंबर पे था उसको 5वें नंबर पे लाया, मगर 5वें नंबर से उनको जब 3रे नंबर पे आने की चैलेंज उन्होंने ली है तो आप सबके भरोसे पे है। उस बिजनेस की सफलता जब लोगों के पास पैसा होगा तो ही कर पाएंगे, तो ही वो हो पाएंगे, और इसके लिए देश के अर्थतंत्र को 3रे नंबर पे लाने के लिए आप सभी ने, हम सभी ने मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी, तो देश का भविष्य और ज्यादा ब्राइट होगा। मैं अभी जब कहा कि सूरत के धड़कन में बिजनेस है और आप तो जैन हो, पता नहीं सर, तो जैन के भी ब्लड के अंदर बिजनेस है। आपको कोई जैन की ओर ले जाने के लिए युवा हो, महिला हो, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और वो सफलतापूर्वक वो आगे भी बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में जो युवाओं ने नया काम शुरू किया उससे ये काम हमारे देश में हो सकता है, हम ये काम कर सकते हैं, विश्वास भी देश के युवाओं में आया है। मुझे तो पूरा विश्वास इसके लिए है कि आपकी फैमिली भी, यहाँ जो बैठे हैं उनके सबकी फैमिली भी कोई ना कोई छोटे बड़े बिजनेस के साथ जुड़ी रही होगी।